कितना चीप एंड बेस्ट आप कैसे ट्रैवल करोगे, 15 रुपये में आप पहुँच गए। एकदम आसान तरीका बाई ट्रेन, किस तरह से करोगे, 15 से 20 मिनट में आप एयरपोर्ट। आपका पैसा बचाना, अगर आप चीप एंड बेस्ट ट्रैवल करना चाहते हो, 10 से 15 रुपये में आप ट्रैवल करना चाहते हो एयरपोर्ट तक और फैमिली फ्रेंड के साथ हो, तो ये वीडियो आपका बहुत काम आने वाला है। तो भाई लोग ये है 4 नंबर पेज, यहाँ से अभी हम लोग चलते हैं पार्क सर्कल स्टेशन, और स्टेशन जाने का यही रास्ता है ब्रिज के ऊपर से। जब आप आओगे कोलकाता में, अगर रहते हो आप पार्क सर्कल एरिया में, तो आपको इसी रास्ते से आना है पार्क सर्कल स्टेशन। वैसे तो गली गली बहुत सारा रास्ता है अंदर आने का, स्टेशन जाने का, लेकिन ये एक रास्ता है। चलो स्टेशन चलते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से अभी ट्रैवल करना है सियालदह के लिए, फिर वहाँ से चलते हैं एयरपोर्ट। अब सियालदह से एयरपोर्ट कैसे जाना मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले टिकट लेते हैं यहाँ से। तो भाई लोग ये मैंने टिकट लिया, पहले सियालदह जाना है। एक बार फिर से एक नई वीडियो, एक नई जगह यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ पार्क सर्कल स्टेशन से, अभी एयरपोर्ट ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ से। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि पार्क सर्कल से या सियालदह से एयरपोर्ट आसानी से कैसे ट्रैवल करें, तो यहाँ से किस तरह से ट्रैवल करना है बाई ट्रेन, बस छोड़ के। तो ठीक है फिर चलते हैं। अभी फ़िलहाल एक ट्रेन आया है जो उल्टा साइड जा रहा है, जो पार्क सर्कल से बालीगंज की तरफ जा रहा है। फ़िलहाल मुझे इस ट्रेन से मतलब नहीं है, ये बालीगंज की तरफ जाएगा, मेरा ट्रेन अभी आने वाला है। और सिग्नल हुआ नहीं है, पीछे रेड सिग्नल है देखो, तो सिग्नल अभी होगा, फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे कहाँ, एयरपोर्ट के लिए। कैसे कैसे जा रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल तो पार्क सर्कल में हूँ, चलते हैं फिर आगे। तो भाई लोग अपना ट्रेन आ गया सियालदह के लिए, चलते हैं सियालदह। तो भाई लोग अभी मैं हूँ सियालदह स्टेशन पे, सियालदह स्टेशन में अभी जस्ट ट्रेन से उतरा हूँ। और मैं क्यों आज ट्रैवल कर रहा हूँ और कैसे ट्रैवल कर रहा हूँ, देखो मेरा ट्रैवल करने का आज मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो ट्रेन से। आप अगर पार्क सर्कल बालीगंज ये सब तरफ अगर रहते हो, आप जैसे सेंट्रल एरिया में अगर आप रहते हो, थमतल्ला एस्प्लैनेड सियालदह के आसपास, तो आप किस तरह से ट्रेन से बाई ट्रेन आप एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल कर सकते हो, किस तरह से करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ, आप फॉलो करो। कैब अगर बुक करते हो आप, तो वही 300-400 रुपये कैब में लगेंगे, टैक्सी करोगे या फिर अगर बस से अगर जाओगे तो उसमें हैरेसमेंट होता है। तो सबसे इजी वे है मेरे हिसाब से और बहुत फास्ट तरीका है, आप अपने स्टेशन से, आसपास के स्टेशन से आप डायरेक्टली एयरपोर्ट जाने के लिए। तो सियालदह से अभी मेरा ट्रेन है कुछ ही टाइम है, अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट में यहाँ से मेरा ट्रेन है जो नेक्स्ट स्टॉप के लिए। सियालदह से आपको ट्रेन पकड़ना है, नेक्स्ट स्टॉप कहाँ जाना है वो मैं वहाँ उतर के आप लोगों को बताता हूँ। वहाँ अगर आप बनगांव साइड या बारासात या फिर दत्तोपुर साइड से अगर आप आते हो, तो भी आप सियालदह से बहुत आराम से, बहुत ही कम टाइम में आप एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल कर सकते हो। आप अकेले हो, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ हो, आराम से आप ट्रैवल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर आप सपोज़ करो आप कैनिंग, सोनारपुर या मलिकपुर इस इन साइड इस सब तरफ से अगर आप आते हो बज की तरफ से, तो भी आप बहुत अच्छे से बहुत कम टाइम में आप सियालदह से ट्रैवल कर सकते हो एयरपोर्ट के लिए। बस एयरपोर्ट से एक ट्रेन आपको चेंज करना है, सियालदह से एक ट्रेन आपको लेना है जो एक स्टेशन के लिए जहाँ पर मैं अभी जा रहा हूँ, वहाँ तक के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट का वो सफ़र है, वहाँ तक लेना है आपको ट्रेन। मैं पहुँच के वहाँ बताऊँगा, मैं अभी नहीं बताऊँगा आपको वो कौन सा स्टेशन है, पहुँच के मैं आपको बताता हूँ कौन सा स्टेशन जाना है। उसके बाद वहाँ से आप एक ऑटो करोगे, 10 मिनट लगेगा आपको 1 नंबर टर्मिनल। चलो मेरे साथ बने रहो। सियालदह स्टेशन देख लो कुछ इस तरह का माहौल स्टेशन के अंदर। ये आप साउथ साइड ट्रैवल अगर करोगे तो यहाँ से आपको ट्रेन मिलेगी, और अगर अभी नॉर्थ साइड आपको ट्रैवल करना है, तो मैं जा रहा हूँ नॉर्थ साइड ही, वहाँ से ट्रैवल करना है। चलो मैं बताता हूँ कौन से स्टेशन पहुँचना है हम लोगों को, कौन साइड जाना है। स्टेशन काफ़ी बड़ा है, पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, अभी तो बहुत सारा यहाँ पे शोरूम हो चुका है ना, कपड़े का या ज्वेलरी का, खाने पीने का, बहुत सारा फूड कोर्ट। तो
चलो अभी प्लेटफॉर्म पे, 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को जाना है। भाई लोग भीड़ देखो कैसा, कितना ज़बरदस्त भीड़ है। ट्रैवल कर रहे हैं सब यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त, गजब के, बहुत बेहतरीन माहौल है, बहुत बेहतरीन भीड़ है। भीड़ जहाँ तक देखोगे वहाँ तक भीड़। और स्टेशन वैसे भी ये सियालदह और हावड़ा कभी खाली मिलता ही नहीं है कोई। देखो ट्रेन में सीट पे बैठने के लिए कैसे लोग कर रहे हैं, ये लेडीज़ बोगी है। ट्रेन जस्ट इन किया है और इन करने के बाद यही ट्रेन अभी यहाँ से निकलेगा प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। तो अभी ट्रेन जैसे ही इन किया है वैसे ही लोग उतरा है और कैसे करके लोग अभी चढ़ा है, धक्का धक्की कुछ हो जाएगा हो जाएगा, गजब बहुत बेहतरीन। देखो कैसा स्टेशन ट्रेन के अंदर खाली खाली है, आराम से निकल जा रहे हैं हम लोग। ट्रेन अभी रुका हुआ है विधाननगर स्टेशन के पास, कुछ खास भीड़ है नहीं आज, सही है। देखो ट्रेन खुल चुका है, चलो अभी स्टेशन पहुंच के ही मिलते हैं। सारा ट्रेन में ऐसा होता नहीं है, जितना भी लोकल ट्रेन है मैक्सिमम ट्रेन में अंदर से अंदर आप एक बोगी से दूसरे बोगी नहीं जा सकते, लेकिन ये जो ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा हूँ इस ट्रेन में, इसमें अंदर ही से अंदर यार बोगी से बोगी दूसरे बोगी जा सकते हो आप आराम से। देखो भीड़ देखो, देखो दमदम जंक्शन में कैसे यार, उतना तो भीड़ है नहीं आज। भाई लोग दुर्गा नगर स्टेशन, देखो मैं अभी पहुँचा हूँ कहाँ, सियालदह से मैंने ट्रैवल किया और आ गया दुर्गा नगर स्टेशन। यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, सियालदह से आओगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आओगे। अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म 2 पे जा रहा हूँ। मैं तो आप लोग सभी को कुछ बताना चाहता हूँ मैं क्यों यहाँ पे आया। तो भाई लोग दुर्गा नगर स्टेशन, विधाननगर स्टेशन, विधाननगर रोड, विधाननगर रोड के बाद दमदम जंक्शन, दमदम जंक्शन के बाद दमदम कंटोनमेंट, उसके बाद कंटोनमेंट के बाद ही दुर्गा नगर स्टेशन है। दुर्गा नगर स्टेशन से अब यहाँ से कैसे जाना है, यहाँ से 10 मिनट लगेगा आप ट्रैवल करोगे ऑटो या टोटो से सीधा एयरपोर्ट, 1 नंबर टर्मिनल, 1 नंबर गेट बाई ऑटो या टोटो चलते हैं। 10 रुपये लगेंगे यहाँ से, 5 रुपये सियालदह से आपको लगा दुर्गा नगर आने, 10 रुपये यहाँ से आपको ट्रेन ऑटो से या टोटो से लगेगा 1 नंबर गेट जाने के लिए। अगर आप चीप एंड बेस्ट ट्रैवल करना चाहते हो 10 से 15 रुपये में आप अगर ट्रैवल करना चाहते हो एयरपोर्ट तक और फैमिली फ्रेंड के साथ हो तो ये वीडियो आपका बहुत काम आने वाला है। बनगांव साइड से अगर आते हो, दत्तोपुकुर ये सब एरिया से आते हो, 12-7 से आते हो तो वहाँ से आने आपको आना और आसान है। आप डायरेक्टली आपको सियालदह आना नहीं है, दुर्गा नगर स्टेशन उतरना है। दुर्गा नगर स्टेशन उतरते ही 2 नंबर क्रॉस करना है रोड, रोड क्रॉस करना है 2 नंबर की तरफ आपको आना है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ। 2 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने के बाद वहाँ से ऑटो टोटो मिलता है, आप ऑटो टोटो पकड़ो, उसको बोलो 1 नंबर गेट जाना है। 1 नंबर गेट उतरते ही चलो मैं आगे बताता हूँ। देखो सियालदह के लिए ट्रेंड होगा ये 12-7 या बनगांव से होते हुए आया होगा सियालदह के लिए ट्रेन, ये सियालदह जा रहा है, ये ट्रेन अभी सियालदह जा रहा है। चलो हम लोग चलते हैं 1 नंबर एयरपोर्ट। चलो मैं अभी चलता हूँ, ऑटो किस तरफ से जाता है मैं बताता हूँ। अगर दो नंबर से उतरे बनगांव साइड से, अगर आते हो 12-7 से तो उतरते साथ लेफ्ट, अगर 1 नंबर से सियालदह से अगर आते हो तो एकदम बिंदास, किसी भी कोई भी बिना हिचकिचाहट के स्टेशन से प्लेटफॉर्म से नीचे उतरो, किसी से भी पूछो 1 नंबर जाना है बस, और कुछ भी नहीं, डायरेक्टली वहाँ से पकड़ सकते हो 1 नंबर के लिए। जो भी है 1 नंबर के लिए ऑटो टोटो आपको मिल जाएगा। चलो मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ऑटो लगा हुआ है, अंदर आओगे थोड़ा दूर हट आपको मिल जाएगा। देखो ऑटो, ये ऑटो जाता है 1 नंबर गेट, यहाँ से आप स्ट्रेट
5 से 7 से 10 मिनट लगेंगे आपको, ऑटो या टोटो आपको लेके जाएगा। आप यहाँ से ऑटो पकड़ सकते हो या टोटो, टोटो उस साइड वहाँ पीछे लगा होगा, ऑटो यहाँ सामने, ऑटो थोड़ा फास्ट ले जाएगा आपको। बस चलते हैं, एक नंबर मिलते हैं। ये हम लोग पहुँच चुके हैं एक नंबर गेट, यहाँ पे सामने जब एक नंबर जब आपको उतारेगा तो यहाँ देखना रोड पे ही मस्जिद है और एक मज़ार है, ये ऐसा यहीं पे आपको उतारेगा। टोटो ऑटो रिक्शा सब लगा हुआ है, ये देखो ऑटो, एयरपोर्ट, घोड़ा बाजार सब यहाँ से जाता है। तो ये है गेट, एक नंबर गेट से फेमस है ये। ये मज़ार, मज़ार से सटा ही हुआ है मस्जिद। और जब भी आप एक नंबर आओगे, यहाँ देखो एक पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, पेट्रोल पंप देखो, पेट्रोल पंप के पास ही लिखा हुआ है गेट नंबर 1, एयरपोर्ट गेट नंबर 1, ये पेट्रोल पंप है, ये गेट नंबर 1। चलो अंदर लेफ्ट, तो यहाँ से आपको राइट लेना है। ये आप राइट लोगे, कुछ एक मीटर जाके 150 मीटर आगे जाके फिर लेफ्ट टर्न लेना है, जो एक नंबर एयरपोर्ट के लिए अंदर जाता है। आप जाओगे तो यहीं पे मस्जिद वाला लाइन में ही आपको एक पर एक फूलों की दुकान मिल जाएगी, आपको एक पर एक बुके बनाया हुआ आप अलग से ले सकते हो, कुछ भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अभी देखो यहाँ से ये सिग्नल जो आया, ये सिग्नल से मुझे लेफ्ट लेना है, लेफ्ट टर्न, तो वहाँ से लेफ्ट टर्न लेते ही एक नंबर आप पहुँच गए गेट पे एयरपोर्ट के, ये इस तरफ। चलो दिखाता हूँ, मैं क्रॉस करूँगा अभी, मुझे लेफ्ट टर्न लेना है। ये हम लोग पहुंच गए एक नंबर गेट का क्रॉसिंग पे। जैसे आप पीछे से जो आप लेफ्ट टर्न लिए, लेफ्ट टर्न लेके आओगे तो यहाँ ऑटो स्टैंड है जो बागुई हाटी राजर हाट की तरफ जाता है ऑटो, नारायणपुर की तरफ। आप सीधा यहाँ पे आओगे मोड़ में, मोड़ में आके यहाँ से उस पार क्रॉस होगे, ठीक ब्रिज के पास उस तरफ क्रॉस होने का बाद ही आपको वहाँ से टैक्सी, कोई भी कैब बुक करो, ओला उबेर कुछ भी, रैपिडो, यहाँ पे भी ये रिक्शा नहीं जाता वहाँ तक, तो आप जैसे ही वहाँ से बुक करो आप डायरेक्टली अंदर, वो सामने एयरपोर्ट का बिल्डिंग दिख ही रहा है। तो एयरपोर्ट का बिल्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अंदर तो जाऊँगा नहीं, ये एयरपोर्ट का बिल्डिंग है। तो ऊपर से जाओगे तो डायरेक्ट आप डिपार्चर में जाओगे, नीचे से आपको जाना पड़ेगा, नीचे से जाके आगे सामने ब्रिज है, ब्रिज पे ऊपर आप उठोगे तो डायरेक्ट ऊपर डिपार्चर में जाओगे, और नीचे से अगर आप ब्रिज के नीचे से जाओगे तो अराइवल में आप डायरेक्ट नीचे अराइवल जाओगे। तो यहाँ से अगर आप सिंगल अकेला हो, आपके पास टाइम है, तो आराम से आप जा सकते हो, यहाँ से कैब बुक किया और निकल गया, 5 मिनट लगेंगे कैब बुक करोगे तो। और कोई टैक्सी अगर पीले टैक्सी पकड़ते हो मीटर, तो आप समझ लो 50 रुपये लेंगे वो, क्योंकि 2 मिनट लगेंगे यार, 2 से 5 मिनट। तो आपको जल्दी नहीं है तो आराम से चल के चले जाओ, पूरा पैसा मैंने आप लोगों का सेव कर दिया, बचा दिया। अभी बताओ कैसा लगा, मैंने कितना आसान और कितना सेफ़ तरीका, और सबसे बड़ा चीज़ कितना चीप एंड बेस्ट, आप कैसे ट्रैवल करोगे, 15 रुपये में आप पहुंच गए, 5 रुपये आपको लगा सियालदा आने में, दुर्गा नगर आने में, दुर्गा नगर से आप 10 रुपये का ऑटो लिया, टोटो लिया, आप डायरेक्टली एयरपोर्ट चले आए। एयरपोर्ट मैं अभी नहीं जाऊँगा एयरपोर्ट, क्योंकि अभी क्या करूँगा वहाँ जाके, मेरा कुछ काम नहीं है, मैं यहाँ पर राजरहाट जा रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं न्यू टाउन जा रहा हूँ, तो यहाँ से पास में ही है राजरहाट, ऑटो लूँगा यहाँ से निकल जाऊँगा, तो मुझे यहाँ से 10 मिनट लगेंगे। तो मैं आपको दिखाने वाला, मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था, ये आपको कैसे आप ट्रैवल करें चीप एंड बेस्ट, अकेला हो या फैमिली फ्रेंड के साथ हो, कैसे एयरपोर्ट पर ट्रैवल करना है आपको, एकदम आसान तरीका बाई ट्रेन किस तरह से करोगे, यही एक वाहिद एकदम ईजी वे है, एकदम आसान है। 40 मिनट्स में आप एयरपोर्ट पे रहोगे, जितना भी दूर रहो आप, जैसा भी रहो, अगर दुर्गा नगर पहुँच गए तो आप 15 से 20 मिनट में आप एयरपोर्ट, बस यही है, सिर्फ दुर्गा नगर पहुँचने पर देरी है। और भाई लोग अगर आपको ट्रैवल करना है यहाँ से बस से निकलना, तो सबसे ईजी वे क्या है, यहाँ से बस, आप AC बस मिलेगा आपको, आपको किस तरफ जाना उस पर डिपेंड करता है कि आपके रूट में AC बस चल रहा है या नहीं, उस पर डिपेंड है, नहीं तो बहुत सारा बस यहाँ पे चलता है 45, 46 जो मेरे घर तरफ जाता है, और DN 2x1 ऐसा कुछ है, उसके बाद 79D, तो बहुत सारी बस है, आप यहाँ से डायरेक्टली ट्रैवल कर सकते हैं एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट से बाहर आकर पैदल बाहर आ जाओ ना यार, अकेले हो तो। अगर पैसे का प्रॉब्लम है,
स्पेंड बेस्ट ट्रैवल करना है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, नहीं तो फिर एयरपोर्ट से भी एक टैक्सी लो डायरेक्टली बाहर, एक नंबर आ जाओ आपको, अगर यहाँ से फिर बस वगैरह पकड़ना है तो आराम से, या फिर ट्रेन पकड़ के जाना है तो यहाँ से एक नंबर, किसी से भी पूछो यहाँ पे एक नंबर ऑटो स्टैंड कौन सा, एक नंबर गेट, वहाँ से आप ऑटो पकड़ो, टोटो पकड़ो, ट्रेन डायरेक्ट दुर्गा नगर उतरो, 5 रुपये, उसके बाद दुर्गा नगर 10 रुपये, उसके बाद वहाँ से अपना ट्रेन पकड़ के आपका जो भी वहाँ से जिस भी स्टेशन तक जाना आराम से ट्रैवल कर सकते हो, मुश्किल नहीं, बहुत ही ईजी है। मैं अभी जा रहा हूँ न्यू टाउन और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग और कुछ ऐसा जगह, आप लोग मुझे कमेंट करें अगर कहीं पे मुझे ट्रैवल करना है तो, और आप लोग चाहते हो कि मैं कहीं पे ट्रैवल करूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं मैं कहाँ ट्रैवल करूँ। अभी फ़िलहाल नेक्स्ट ब्लॉग कब आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई ट्रैवल ब्लॉग आने वाला है बहुत जल्दी। भाई को सपोर्ट कीजिए, आप लोग भी फिट रहिए, दुआ में याद रखिए। तो अगर वीडियो काम का लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को खास करके लाइक करें, और मैं कुछ नहीं चाहता, और हो सके तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बस थैंक यू।